गाइस ये एप्पल के एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन और प्राइस सिर्फ 1499 जो कि गाइस मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ। काफी दिनों से मैं एप्पल के एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन की बेस्ट कॉपी ढूंढ रहा था, तो फाइनली मुझे ये मिल चुके हैं। मैंने बहुत सारे ट्राई किए, फिर उसके बाद जाके मुझे ये बेस्ट वाले मेरे हाथ में लगी है और मैंने ये लिए सिर्फ 1499 और उसके ऊपर मुझे एक कूपन कोड मिला था तो और भी सस्ते मिले और एक और ऑफर चला हुआ था तो मुझे ये केस भी बिल्कुल फ्री में मिला। तो ये भी बताऊंगा मैं आप भी कैसे ये ऑफर वगैरह ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं इनके अनबॉक्सिंग करता हूं ताकि आप भी देख पाओ कि कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इनका। तो गाइस ये कुछ बॉक्स एयरपॉड्स प्रो और पूरा डिजाइन वैसा ही है जैसे कि हमारे एयरपॉड्स प्रो आते हैं और यहाँ पर इसके बॉक्स के ऊपर प्राइस है 24,900 और ये हमारे एयरपॉड्स मैक्स सिर्फ चार्जिंग केस के साथ में आते हैं। तो इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ। तो अंदर ये रहा हमारा एयरपॉड्स का केस और इसके अंदर देखूं तो फिर हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, तो इसे मैं अनरैप कर देता हूं। तो ये है चार्जिंग केबल टाइप सी टू लाइटनिंग है और ये MFI सर्टिफाइड नहीं है, ये आप सिर्फ केस के साथ में यूज करना, अपने आईफोन के साथ में यूज मत करना। तो इसे मैं अब साइड कर देता हूं, बॉक्स के अंदर हमें ये सभी मिलता है। तो अब आ जाते हैं एयरपॉड्स की तरफ। तो गाइस ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये केस देके रखा है और इसका वेट भी ओरिजिनल की तरह देके रखा है, ऐसे इजीली पता नहीं चलेगा कि ये फेक है, डिजाइन बिल्कुल सेम ही देके रखा है इन्होंने। सबसे पहले तो ये केस मैक्सेफ चार्जिंग वाला है, तो यहाँ पर वायरलेस चार्जर के ऊपर मैं रख के दिखाता हूँ आपको। तो ये लग गया, वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये और जब वायरलेस चार्जिंग पर आप इसे लगाते हो तो एक प्यारी सी साउंड भी आती है। जब ये चार्जिंग पे लगा होता है तो यहाँ पर ऑरेंज लाइट दिखाई देती है और ऐसे ग्रीन लाइट और इसके केस के बैक साइड में लिखा हुआ डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन USA और यहाँ पर बैक साइड में बटन देके रखा है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन के साथ में और यहाँ पर बैक साइड में स्पीकर भी देके रखा है और पूरा पूरा डिजाइन एप्पल एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन की तरह है। और यहाँ पर केस में आप एंटी ड्रॉप रोप भी लगा सकते हो, यहाँ पर इतनी ज्यादा डिटेलिंग की गई है। यहाँ पर केस के अंदर भी टेक्स्ट आपको दिखाई देंगे ओरिजिनल की तरह और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी सच में मुझे काफी अच्छी लगी, मतलब आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे इसकी वजह से, मतलब आप इन्हें हाथ में पकड़ोगे तो कोई नहीं कह सकता कि ये डुप्लीकेट है। तो गाइस अभी मैं अपने फोन के साथ में इन्हें कनेक्ट करता हूं, तो जैसे आप ओपन करोगे तो यहां पर फोन में पॉपअप आ जाएगा और यहां पर केस और एयरपॉड्स की आपको बैटरी अलग से दिखाई देगी, तो ये आप देख सकते हो और लेफ्ट राइट की बैटरी भी आपको पता लग जाएगी किसमें कम है और ज्यादा है। यहां पर मैं आपको इनके फीचर्स बता देता हूं, तो पहले मैं सेटिंग्स में चलता हूं, एयरपॉड्स प्रो लिखा हुआ आ चुका है तो यहां पर सारी की सारी सेटिंग्स हमें मिल जाती है। नेम चेंज कर सकते हो आप, नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, हालांकि इनमें नॉइस कैंसिलेशन वर्क नहीं करता है और जिस तरह का इनका डिजाइन है तो की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी जब आप म्यूजिक सुनोगे। ट्रांसपेरेंसी ऑफ नॉइस कैंसिलेशन ये सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हो और यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड एयरपॉड्स यहाँ से आप सेटिंग्स भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पर टच सेंसर देके रखा है, अगर आप यहाँ पर प्रेस करोगे हल्का सा तो यहाँ पर गाना पॉज और प्ले हो जाएगा और ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो लेफ्ट राइट के अलग से। तो जैसे यहाँ पर अगर सीरी सर्च के ऊपर रखना है, राइट को अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर हमारी सीरी वर्क करेगी और आप यहाँ से कमांड दे सकते हो, हे सीरी ओपन यूट्यूब, तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। और यहाँ पर ईयर टिप फिट टेस्ट भी यहाँ पर वर्क करता है, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन वो भी वर्क करता है। और गाइस इनमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो ये भी वर्क करती है, तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। तो मैंने रिमूव कर दी थी, अभी मैं सेटअप करता हूँ आपके सामने। तो इसके लिए पहले तो केस के अंदर डालना पड़ेंगे एयरपॉड्स, तो ये मैंने केस के अंदर डाल दिए हैं और अब इसे यूज हम कर सकते हैं। पहले तो ये मेरे फेस को डिटेक्ट करेगा और अब राइट ईयर कैप्चर और अभी लेफ्ट की बारी है। तो गाइस पर्सनलाइज स्पेशल ऑडियो यहाँ पर सेटअप हो चुकी है, यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब मैं इस फीचर का भी यूज कर सकता हूँ। बेसिकली आपको बता दूं ये जो गाइस स्पेशल ऑडियो ये अच्छे से वर्क करती है इनमें, यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो स्टीरियो ऑडियो कुछ इस तरह से हमें सुनाई देती है और स्पेशल ऑडियो यहाँ पर हमें पूरा सराउंड सा एक्सपीरियंस देती है हमारे ईयर के अकॉर्डिंग। तो जब आप इन्हें पहनोगे और सेटअप करोगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा बाकी सेटिंग्स भी आपको मिल जाती है, जैसे माइक्रोफोन की होगी लेफ्ट राइट और आपने कौन सा रखना है, कौन सा यूज करना है। और यहाँ पर शो इन फाइंड माइक की ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर फाइंड माइक के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर फाइंड माइक के ऊपर भी शो हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं प्ले साउंड। तो गाइस आवाज आना शुरू हो चुकी है, तो ये आप सुन सकते हो। तो फिर गाइस इनमें फाइंड माई भी वर्क करता है, ये भी आपके काम में आ जाएगा अगर आप कहीं इधर उधर रख के भूल जाते हो, तो फिर साउंड प्ले हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर रखे हैं ये। और इन सब के अलावा गाइस सेटिंग्स में यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आपको और भी बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती है जो कि हमें ओरिजिनल एयरपोर्ट्स में देखने को मिलती है, वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर मॉडल नंबर सीरियल नंबर वो सब कुछ भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे फनी बात तो ये है कि यहाँ पर आपको वारंटी दिखाई देगी, पर आप चले मत जाना एप्पल केयर सेंटर क्योंकि वहां पर उनको पता लग ही जाएगा। और गाइस इनका मैंने मॉडल नंबर एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक किया, तो उन्हें भी ये ओरिजिनल
करने लग रहे थे पर वो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे इनकी परचेज डेट। मतलब गाइस ये बहुत ज्यादा तगड़ी कॉपी है, यहाँ पर आपको फीचर्स तो लगभग सारे देखने को मिल जाएंगे, सेटिंग्स और वायरलेस चार्जिंग वाला केस भी देके रखा है। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो मुझे बैटरी बैकअप इनका काफी अच्छा लगा, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बैटरी बैकअप को लेकर भी। और अब मैं बात करूं इनके सेंसर्स की, तो अगर आप इन्हें पहन लेते हो तो जितने भी एप्पल एयरपॉड्स प्रो में सेंसर मिलते हैं वो सारे के सारे सेंसर इनमें वर्क करते हैं। जैसे वेयर सेंसर हो गया, तो जैसे आप पहनोगे कोई म्यूजिक मूवी है तो वो प्ले हो जाएगी, उतारोगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगी। और यहाँ पर टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छे से वर्क करता है, जैसे यहाँ पर आप स्वाइप अप करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और ऐसे स्लाइड डाउन करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर आप होल्ड करके रखोगे तो जो म्यूजिक है वो प्ले पॉज हो जाएगा। ये सारे फीचर्स यहाँ पर काम करते हैं काफी अच्छे से। और अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो वो मुझे ठीक ठीक लगी, मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कहूंगा, पर अगर आप किसी के साथ कॉल के ऊपर बात कर रहे हो तो आप अच्छे से बात कर सकते हो। मैं बहुत अच्छे भी नहीं कहूंगा और मैं बहुत बुरे भी नहीं कहूंगा, मतलब आपका काम चल पड़ेगा। और इसके अलावा अब मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगी इनकी। ऑडियो क्वालिटी इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, बेस काफी अच्छा मिल जाता है आपको और जो वोकल्स है वो भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी। देखो गाइस ऑडियो में वैसे तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो यहाँ पर निखिल और अंकुश इन दोनों ने भी ट्राई की है, तो इन दोनों का एक्सपीरियंस भी आप इनसे पूछ लो। अंकुश तुझे कैसे लगा? बेसिकली अंकुश तो अपना एंड्रॉइड यूजर है, एंड्रॉइड फोन यूज करता है, तेरे को कैसे लगी इनकी आउटपुट? क्वालिटी काफी अच्छी है इनकी, वोकल वगैरह काफी क्लियर सुनाई देते हैं और बेस भी मतलब जितना ओरिजिनल का होता है उतना तो नहीं कह सकता बट काफी है। क्लोज टू कितना कहेगा तू? 100 से रेटिंग दे रही हूं, परसेंट 100 में से 70 आराम से दे सकते हैं इसमें रेट। तो फिर निखिल तेरा एक्सपीरियंस कैसा? मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, इसका जो बेस है वो सॉफ्ट है, कान को हर्ट नहीं करता है बिल्कुल भी और फटती नहीं आवाज, है ना? आवाज बिल्कुल नहीं फटती है, बिल्कुल सराउंडिंग में घूमता है इसका जो म्यूजिक है, मजा आता है सुनने में। ये आईफोन के साथ में यूज करता है, एंड्रॉइड के साथ में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, पर आईफोन के साथ में सच में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है फिर, ओके ब्रो बाय। ठीक है बाय। तो गाइस मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगे, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और जहां से मैंने लिए उस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप भी परचेज कर सकते हो। तो गाइस मैंने इनका प्रीपेड ऑर्डर किया था, प्रीपेड ऑर्डर करने का फायदा ये था, एक तो मुझे ये केस बिल्कुल फ्री में मिल गया, मैं आपको दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरह का केस है, काफी अच्छा है वैसे, और मैं ये अंदर डाल देता हूं तो ये परफेक्टली फिट हो जाता है यहां पर अच्छे से, और ये आप देख सकते हो, और यहां पर ये हुक भी देके रखी है, तो कुछ इस तरह का केस है ये, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा साथ में। वैसे इस केस का प्राइस 249 है, तो ये आपको साथ में फ्री में मिल जाएगा, अच्छी बात लगी मुझे। और इन सब के साथ में मुझे 10% का कूपन कोड भी मिला था, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी चाहें तो यूज कर लेना। पर इनमें सिर्फ एक ही कमी लगी मुझे, ANC काम नहीं करता है, और अभी मैं एक और कॉपी ढूंढ रहा हूं जिनमें ANC भी अच्छे से काम करता हो और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी हो, तो जैसे मुझे मिलते हैं तो मैं उनके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा, पर वो मेरे हिसाब से थोड़े से महंगे होंगे, जैसे 2,000 से 3,000 तक होने वाले हैं। तो फिर यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूं आपके साथ किसी और वीडियो में, और अपने ब्लॉग चैनल पर भी आ जाओ, उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।